हमारे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इस ट्रेंड में कई बार ये देखा जाता है कि लोग किसी भी मुद्दे को लेकर दो खेमों में बंट जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के समर्थन और विरोध को लेकर भी लोग दो खेमों में बटे हुए हैं। बहुत से लोग महिला पहलवानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यौन शोषण के अपराध से घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई ना होना ये साबित करता है कि वो बीजेपी के एक ताकतवर नेता है, लिहाजा जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए वो नहीं की जा रही। वहीं कई लोग बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आगे आए हैं और वो लोग पहलवानों और उनका सपोर्ट कर रहे लोगों को आंदोलनजीवी बता रहे हैं। अब इस मामले को लेकर आप कोई राय बनाएं, उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों पहलवानों ने इस लड़ाई में अपना पूरा जोर लगा दिया है और क्यों दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की उस पर पहलवानों और उनके समर्थकों ने सवाल खड़े किए। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बृजभूषण अपने बचाव में क्या कह रहे हैं और उनका पक्ष क्या है। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल मत जज करिएगा कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं या किसी के विरोध में है। हम आपको वो सब बताएंगे जो अब तक इस मामले में हुआ है और फिर सही और गलत का फैसला आप करिएगा। देखिए 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना शुरू करने से पहले किसान महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के लिए गई, लेकिन फिर FIR दर्ज ना होने पर खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। यानी देखिए सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जाकर पुलिस ने FIR दर्ज की और ये दूसरी बार था जब पहलवान जंतर मंतर पर धरना करने के लिए आए थे। इस धरने के 3 महीने पहले भी पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना किया था और उस वक्त सरकार ने एक कमेटी बना दी थी, लेकिन कमेटी की कार्रवाई से पहलवान संतुष्ट नहीं थे। बाद में पहलवानों ने कमेटी पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया और फिर 23 अप्रैल को वो दोबारा जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आ गए। अब सोचिए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो ये सवाल उठना तो लाजमी था ना कि पुलिस बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। महिला पहलवानों ने भी ये सवाल खड़े किए कि जब FIR दर्ज कराना इतना मुश्किल है तो बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी कितनी मुश्किल होगी। आपने केरला स्टोरी का वो डायलॉग सुना है कि FIR दर्ज करने में इतना समय लगा दिया तो जस्टिस कब दिलाएंगे सर। महिला पहलवानों ने भी इसी तरह के सवाल उठाए। 1 महीने से ज्यादा समय तक जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी रहा। 1 महीना पूरा होने के बाद उन्होंने इंडिया गेट के लिए मार्च निकाला, लेकिन उसके बाद भी बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस कहती रही कि जांच जारी है। इसके बाद 28 मई को पहलवानों ने यह तय किया कि वो नई संसद भवन की ओर मार्च निकालेंगे और सेंट्रल विस्टा के सामने महिला पंचायत करेंगे। और 28 मई को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। जिस वक्त प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे उस समय महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही थी। वो तस्वीरें काफी ज्यादा उदास करने वाली थी। पूरे देश में कई लोगों ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार और कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये देश की वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान लगाकर मेडल जीता और कम से कम इनके साथ तो इस तरीके का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इस इंसिडेंट को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों को मार्च नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि उस दिन पूरी न्यू दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया था। पुलिस ने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट सहित कई तमाम पहलवान जो विरोध कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया। बहरहाल जंतर मंतर पर 28 तारीख को आंदोलन खत्म हुआ और पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला किया, आपने देखा ही होगा। और लेकिन इस बीच किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंच जाते हैं और वो मेडल लेकर कहते हैं कि आप 5 दिनों का समय दीजिए, हम सरकार से बात करेंगे। अब अगर किसी को ये लग रहा है कि ये आंदोलन अब काफी हद तक ठंडे बस्ते में चला गया है तो ऐसा नहीं समझिए, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए हम खुद भी पहलवानों से बात कर चुके हैं और बजरंग पुनिया से हमारी बात हुई थी जंतर मंतर पर। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई चाहे 2 साल तक चले पर वो लड़ाई को जारी रखेंगे।
तो उनकी बातों से तो ये साफ लग रहा था कि भले ही आंदोलन को जंतर मंतर से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। उधर देश भर में खाप पंचायतें इस आंदोलन को लेकर अपनी नई रणनीति अब बना रही हैं। अब राकेश टिकैत ने 9 तारीख का समय सरकार को दिया है और कहा है कि अगर सरकार कोई फैसला, कोई सुनवाई इस मुद्दे पर नहीं करती तो पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें एक बार फिर से मार्च निकालेंगी और आंदोलन को एक नया रूप दिया जाएगा। उधर देश भर में कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो महिला पहलवानों के समर्थन में आए हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में कोलकाता में पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाला। इसके अलावा कपिल देव और गावस्कर समेत कई बड़े पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स भी पहलवानों के सपोर्ट में आए हैं। अब पहलवानों का पक्ष जानने के बाद ये भी जानना जरूरी है और आपको आप ये भी जान लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पहलवानों को और उनके समर्थकों को पुलिस जांच की का इंतजार करना चाहिए। उनका कहना है कि लोग उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली पुलिस की जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो न्यायपालिका के फैसले को मानेंगे। अपनी सफाई में बृजभूषण ने यह तक कह दिया है कि अगर उनके ऊपर अपराध जो लगा है वो साबित होता है तो वो इसकी जांच सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि गंगा में मेडल बहा देने से उन्हें फांसी नहीं मिलेगी। मतलब उनका इशारा खिलाड़ी पहलवानों की ओर था कि आप जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इंटरवीन किया है और 28 मई को दिल्ली में पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके की कार्रवाई हुई, उसकी आलोचना की है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कई खाप पंचायतें इस आंदोलन के लिए नई रणनीति बना रही है, उससे तो देखते हुए तो यही लगता है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद पहलवानों ने इंडिया गेट पर आंदोलन करने का फैसला किया था, जिसके बाद इंडिया गेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तो अब ये देखना है कि ये आंदोलन यहां से क्या रुख लेता है और पहलवानों का अगला कदम क्या होता है। अब तक इस मामले में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। अब कौन कितना सही है और कौन कितना गलत, ये जांच हो जाने के बाद ही पता चलेगा। मगर लोगों के लिए ये जरूरी है कि किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी राय बनाने से पहले उन्हें पूरे मामले के बारे में ठीक तरह से जान लेना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।